परम सम्मान योग धन धन शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र मुबारक गोद अंदर इतिहासक अस्थान गुरुद्वारा बंगला साहिब जो रोजाना लड़ीवार चल रही पावन बाणी की विचार तिस लड़ी तहत देव गंधारी अंदर धन सतगुरु गुरु अर्जन साहिब महाराज तिन्हां दी रसना तो उचारण किया होया पावन शब्द जिसका पाठ आप जी ने सत्कार योग भाई साहब होना पासों सरवण किया है। ये पावन शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन अंक 531 उपर सुभायमान है। सतगुरु पिता जी इस पावन शब्द द्वारा समुची मानवता की झोली विच की दात पाउंदे हन, की उपदेश करदे हन। आओ सतगुरु जी दे इन्हां अमोलक बचना दी विचार आरंभ करन तो पहला गुरु मर्यादा नूं मुख रखदिआं होइआं गुरु दरबार विच बैठे जां देश विदेश विच टीवी इंटरनेट माध्यम दे राहीं घरां विच बैठे सरवण कर रहे अति सत्कार योग सत्संगी जनों विचार आरंभ करन तो पहला सारी संगत फतेह दी सांझ करो। आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु अर्जन साहिब महाराज जी ने अज दे मुबारक बचन दे द्वारा उस वाहगुरु अकाल पुरख परमात्मा वालों बख्शिश किए हुए सुख जो केवल ते केवल गुरु द्वारा प्राप्त होंदे हन उसका जिक्र किया है। सतगुरु जी ने रहाओ दे बंद विच विचार बख्शिश किए हैं सर्ब सुखा गुर चरना सर्वदार्थ हन सारे सुखादार्थ हन सुख गुर चरना गुरु दे चरना विच सारे सुख हन। कलमल डारन मने सधारन ए आसर मोहे तरना। पगां वाले गुरसिखो गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी का पाठ करन वाले तुहाडे विच कई गुरु प्यारे विराजमान होणगे जिन्हां ने अपने जीवन काल के अंदर कई बार सतगुरु महाराज जी की बाणी का आप पाठ किया होगा। कई ने अर्थां सहित ते कई ने केवल अर्थां तो बिना वैसे ही अपने जीवन च पाठ किया होगा। पागां वाले वो बाणी की विचार जो है जो बाणी विच सतगुरु ने उपदेश बख्शिश किए हैं थोड़ा जिहा ध्यान मंगते हैं। जिवें असी संसार का कोई भी कारोबार करना हो कोई भी बिजनेस व्यापार करना हो बिना ध्यान तो उस विच सफलता हासिल नहीं होंदी। इतों तक गड्डी चलाउण वक्त भी मनुख का जे ध्यान माड़ा जे अपने केंद्र बिंदु तो हट गया तो आपकी जान तो जा सकती है जो उहदे नाल बैठे ने वह भी अपनी जान तो हाथ धो सकदे। दा अर्थ कोई भी काम करन वक्त मन की एकाग्रता का होना बहुत लाजमी है। तुसी आम वेखदे हो ट्रैफिक पुलिस वालिया वीरां ने निजम लिख के लाए होंदे ने भी गड्डी दी जदों तुसी ड्राइव कर रहे हो उस वक्त मोबाइल की वरतों ना करो। इहदा अर्थ यह है भी तुहाडा ध्यान वंडिया ना जाए। केवल गुरबाणी की विचार वक्त नहीं गुरबाणी के पाठ वक्त नहीं दुनिया का हर काम ध्यान मंगता है विचार मंगता है ता ही उहदे विच सफलता हासिल हो सकती है। इस तरह सतगुरु की बाणी ध्यान मंगती है एकाग्रता मंगती है ता ही इहदे विचों कुछ प्राप्त हो सकता है। सतगुरु जी ने लफ्ज बड़े प्यारे वरते हैं महाराज कहते हैं सर्ब सुखा गुर चरना सारे सुख गुरु के चरणों में हैं। हुण चरण ते आम करके आप शरीर वाले वरतते हैं जिन्हां पैरों में आप जोड़े पाने हाँ जुतियां पाने आप कहने चरण हैं पर गुरबाणी में इन्हां पैरों नूं चरण नहीं किया गया क्योंकि मैं आरंभ में बेनती कर दी तुहाडे विचों कई बाणी पढ़ने वाले बैठे होणगे। सतगुरु की बाणी विच शरीर दे इन्हां पैरां नूं चरण नहीं किया गया
सिर्फ बाणी दी विचार ध्यान नाल ना करन करके जेड़े चरण गुरबाणी विच बयान किए सन उन्हां तक साडी पहुंच नहीं हो सकी। साडी सोच किसी मनुख दे पैरां तक आण के रुक गई, खलो गई। गुरबाणी विचों सानू इन्हां चरणां दी व्याख्या मिलेगी। चरण दा अर्थ है उपदेश, चरण दा अर्थ है सिख्या, चरण दा अर्थ है गुरु दी मत। गुरु दी मत गुरु दे चरण हन। सतगुरु जी कहिंदे ने सर्ब सुखा गुर चरणा, सारे सुख गुरु दे चरणा विच हन। ते गुरु दे चरण केड़े हन? हिरदय चरण, शब्द सतगुरु को, गुरु दा शब्द, गुरु दी सिख्या, गुरु दा उपदेश गुरु दे चरण हन। हिरदय चरण शब्द सतगुरु को नानक बांधो पाल। पाल दा अर्थ है पल्ले बन ला इस गल नूं भी गुरु दी सिख्या ही गुरु दे चरण हन। जन के चरण वसै मेरे हियरै संग पुनीता देही। कह लगे ए शरीर पवित्र ता होएगा जे गुरु दी सिख्या तेरे जीवन विच आण के वसेगी। पर पागां वालिओ साडी आम करके संसार दी फितर ते होई जिन्ना ध्यान असी बाकी कम्मां नूं दिता सतगुर दी बाणी वाले बन्ने इन्ना ध्यान देण दा यत्न नहीं कीता। होया की कि गुरु शब्द विच आए हुए इन्हां चरणां नूं वगाड़ के पेश कीता गया ते साडी दौड़ एक मनुख दे पैरां तक आण के सीमित हो गई। मैं पैर लफ्ज तां वरत रहा क्योंकि चरण केवल गुरु दे हुंदे हन, साडे पैर हो सकदे हन। पर आम करके तुसीं वेखणा बहुत वरी गुरु की सिख्या घर ले जाण की कोशिश कोई नहीं करता। हर एक कहेगा आओ जी साढ़े घर चरण पाओ, क्यों? साडा घर पवित्र हो जाएगा। क्या गजब की बात है। अज तक मैं नहीं सुनिया भी कोई इंग्लिश के टीचर नूं कवे जी साढ़े घर चरण पा दो साढ़े सारे टब्बर नूं इंग्लिश आउण लग पवे। मैं नहीं अज तक सुनिया किसी नूं कंप्यूटर आउंदा होवे, किसी नूं वख-वख देशां दीआं भाषावां आउंदियां होण ते कोई व्यक्ति यह कहता हो जी साढ़े घर एक बार फेरा पा दिओ ताकि साढ़े कले कले परिवार के जी नूं जिन्नियां तुहानूं भाषा आउंदियां ने इन्नियां सानूं आउण लग पैण। पर केवल सतगुर की बाणी वक्त लफ्ज वरते जाते हैं जी एक बार साढ़े घर चरण पा दिओ ते चरण पाउण वाला फिर फुल फुल बहिंदा है भी मैं को विशेष होना जेडे मेरे चरण इन्ने कीमती ने। ये बंदे 4 घंटे मेहनत करते ने, कारखाने च मेहनत करते ने, दुकान ते बैठते ने, यह मैनू ज्यादा महानता दे रहे ने। इहदा अर्थ मेरे चरण मेरे पैर इन्हां नालों कुछ कीमती होने ने। कीमत असी पवा दिती, चरण पवाए, मथा टेकिया, परिक्रमा कीतियां, इथों तक घर आने वाले दे पैर बर्तन विच पा के धोए भी। हुण तां इंटरनेट का माध्यम है, मीडिया युग है, हुण तां आम थां थां ते रिकॉर्डिंगां मिल जांदियां ने कि बाणी पढ़न वाला जिहड़ा निम्रता दा पुंज खवाउंदा सी उह वी बड़े सोहणे तरीके नाल अपने पैर धवा रिहा है, रोक नहीं रिहा भी ना भाई जिद्दां दे तुसीं उद्दां दे मैं, तुसीं मेरे नालों चंगे हो भाई, तुसीं ते किरत करके रोटी खांदे हो, मैं ते हथीं किरत वी नहीं करदा, तुसीं ते बड़ी मेहनत करदे हो, तुसीं बड़ी मुशक्कत करदे हो, मैं ते कुछ वी नहीं करदा, तुसी मेरे पैर ना धोवो, मैं भी तुहाडे वर्गा हाँ, जो मेरे को सिखिया है, जो मेरे को उपदेश है, वह उपदेश ग्रहण करो, जो मैं कुछ प्राप्त किया है ना वह तुसी प्राप्त कर लो, उहदा तरीका है। तुहानू मेरे को बहना पवेगा, कोई संथिया लै लो, कोई पाठ सीख लो, कोई कीर्तन सीख लो। हुण किसे उस्ताद नूं कीर्तन बड़ा गजबदा आउंदा होवे, सीखण वाला कहे उस्ताद जी मैं तुहाडे चरण धो के पीणिया नूं, कहेगा नहीं भलिया, चरण धोण नाल तैनूं राग नहीं आउणे, तेनू मैं सबक देवांगा, तेनू मैं सरगमा सिखावांगा, तेनू सरगमा सीखण तो बाद घर जाके रियाज करना पवेगा, रियाज करन तो बाद जाके जिन्ने राग मैनू आउंदे ने उन्ने राग तेनू भी आ जाणगे। पर कदी ऐसा होया कदी कीर्तन सीखण वाले ने कहा होवे तेनू सीखण दी लोड़ नहीं, तू मेरे आण के चरण धो के पी ला। गुरबाणी विच जिहड़े चरण शब्द आए सन इह सिख्या वास्ते आए सन, उपदेश वास्ते आए सन। पर साडी दौड़ तुसीं वेखणा पढ़िया लिखिया बंदा, कोई अनपढ़ बंदा नहीं, पढ़िया लिखिया बंदा जिहड़ा अपने आप नूं सियाणा खवाउंदा है
वह भी एक बंदे दे पैर धो के मैं एक दिन वेख रहा सी एक अपने आप नूं समाज सुधारक व्यक्ति कहाउंदा है वह कहिंदा मैं समाज का सुधार कर रहा वह भी व्यक्ति एक परिवार विच बैठ के पहला अपने पैर एक बर्तन च धोए फिर एक सियाणा बयाणा बंदा शायद उस समाज सुधारक नालों उम्र विच 15 तो 20 साल वड्डा होएगा उन्होंने टावल लैके उहदे पैर साफ किए साफ करन तो बाद सारा टब्बर उहदे पैर घुट रहा है वाह क्या नजारा है क्यों नहीं चित करेगा हर बंदे दा बाबा बन नूं क्यों नहीं चित करेगा इदां दी सेवा करन ते कराउण नूं क्योंकि इहदे विच आनंद बड़ा आउंदा है हर बंदा चाहुंदा मेरा थकेवा लै गया पागा वाड़े साडी दौड़ सतगुर की बाणी तक चाहती सी असी दौड़ सतगुर की बाणी तो पिछे पिछे मनुखता लिया के खड़ी कर दिती अज बड़ा जोर लग रहा है जदों कोई प्रचारक गुरु की विचार के मुताबिक सानू दसदा है ना हाजमा खराब हुंदा है तुसी वेखदे हो ना आम करके बंदा पानी वाला दुध पींदा रहे ते एक बार उहनू किते संघना दुध पीना पै जाए तो हाजमा पचदा नहीं हाजमा जिहड़ा है वह खराब हो जाता है मेदा जिहड़ा है उस संघनी खुराक नूं पचाउंदा नहीं क्योंकि बड़ी देर पानी वाला दुध पीता है बिल्कुल इसे तरह कच करण मनमत दियां विचारां सुन करके जदों अज सतगुर की असली विचार साडे सामने आउंदी है मिसाल दे तौर ते उदाहरण देनी चाहांगा अज कोई व्यक्ति अपने पुत्र धी दे आनंद करके नशा ना पियावे कोई वहम पखंड ना करे पता की कहिंदे ने कहिंदे वेखो जी बड़े सोहणे तरीके नाल नवे तरीके नाल इन्हां ने अपने पुत्र धी दा आनंद कारज कीता नहीं यह गल गलत है इन्हां नवे तरीके नाल नहीं कीता असल च तरीका ही यह सी नवा तरीका तुसीं अपना लिया कि शराबां पिआउणियां शुरू कर दित्तियां कोई बंदा गुरमत अनुसार अपने पुत्र धी दा आनंद कारज करे तरीका नवा नहीं असल च तरीका पुराना इहो ही है नवा तरीका असी फड़ लिया कि दुनिया की कोई मनमत जिहड़ी है वह ऐसी नहीं जिहड़ी असी अपने घरां दे कारजां विच नहीं करदे पागां वालिओ अज दा मुबारक वचन थोड़ा जिहा ध्यान मंगदे आ सतगुरु जी ने बख्शिश की है सर्ब सुखा इहनूं बिंदी ला के नहीं पढ़ना क्योंकि लफ्ज सर्ब आ गया सर्ब दा अर्थ है सारे सुख एक वचन है सर्ब दा अर्थ है सारे सारे सुख गुरु दे चरणां विच आण के प्राप्त हो जाते हैं सारे सुख गुरु दे कोलों आण के प्राप्त हो जाते हैं हुण पहला सुख वेखने पैणगे ना भी सुख कहिंदे किहनूं हन सुख की परिभाषा की बाणी मुताबक साडे मुताबक सुख पता की है समाज ने सुखां की कि महानता रखी है जां मापदंड किहड़ा है भी चंगा घर होवे जमीन चंगी होवे कारखाने दुकाना होण पुत्र धीआं होण पैसा बैंक बैलेंस होवे कहिंदे सुख है सतगुरु जी कहिंदे नहीं बहुत दुनिया ते ऐसे मनुख ने जिन्हां दे कोल औलाद भी है जिन्हां कोल घर भी है जिन्हां कोल जमीन जायदाद भी है पर कदी पुछ के वेख लो सुख है क्योंकि केवल सुखां दे साधन ने सुख नहीं है सुख पैदा नहीं बाहरों नहीं पैदा किया जा सकता ना खरीदया जा सकता है सुख पैदा करने लई काम करने पैंदे हन पहली गल सुख पैदा करन तो पहला यह समझना पवेगा भी सुख गवाचा किवें साडे कोलों साडे जीवन च दुख पैदा किवें होए ने बाणी दा बड़ा प्यारा वाक है सतगुरु ने इस संबंध में सानू बड़े विचार बख्शिश किए हैं आनंद साहब की पावन बाणी का पाठ पागा वाले तुहाडे विचों कई गुरु प्यारिया ने किया होगा जीवन काल के अंदर आनंद साहब की पावन पौड़ी पढ़ के देखो सतगुरु ने कोई ऐसा सवाल नहीं जिहदा जवाब गुरबाणी में क्लीयर स्पष्ट ना किया हो साडे समाज में आनंद लफ्ज आम करके आम भाषा में वरत्या जाता है कोई भी दुनिया का काम मनुख चंगा कर ले प्रशादा बड़ा सोहना बनया हो प्रशादा छकन तो बाद व्यक्ति कई बार कह दिता इतने आनंद आ गया प्रशादा छकन का पर जरूरी नहीं आनंद सदा कायम रहे भोजन जे खाण तो बाद पचिया ना यह आनंद दुखों में तब्दील भी हो सकता क्योंकि लफ्ज आनंद वरत्या पर असल में आनंद है कोई नहीं सी अज प्रशादा चंगा बने आनंद आ गया कल हो सकता नमक ज्यादा पै जाए मिर्चा वध पै जान जां भोजन स्वाद ना बने तू अपने मूंह कहना जो कल आनंद आया सी अज नहीं आया लफ्ज आनंद वरत्या है पर असल में वह आनंद नहीं सी वह वक्ती तौर पर आया हुआ एक स्वाद सी
ਉਹ ਅੱਜ ਆਇਆ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਸੇ ਟੇਲਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦਰਜੀ ਕੋਲੋਂ ਮਨੁੱਖ ਕੱਪੜੇ ਸਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੱਪੜੇ ਸਵਾਉਣ ਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਚਸਕਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਅੱਜ ਹੈ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੱਪੜਾ ਵੱਧ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਛੋਟੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਕਾਫ ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਜਾਮਾ ਲੰਮਾ ਕਰਤਾ, ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਾਤਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਸੀਤੇ ਸਨ, ਐਰਕੀ ਉਹਨਾਂ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਲਫ਼ਜ਼ ਆਨੰਦ ਵਰਤਿਆ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਆਨੰਦ ਕੀ ਹੈ। ਪਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਾਵਾਂ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਪੜ੍ਹੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਚਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਸਲੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਅਸਲੀ ਆਨੰਦ ਕੀ ਹੈ। ਜਾਣਿਆ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਗੁਰ ਤੇ, ਸਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਆਨੰਦ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਆਨੰਦ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਵੇਖਣੀ ਪਈ ਤੇਰਾ ਆਨੰਦ ਗਵਾ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਹਿ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ। ਜਿੱਦਣ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ ਉਦਣ ਵੀ ਆਨੰਦ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲਾਗੇ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹਨ ਉਦਣ ਵੀ ਆਨੰਦ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਬਰਕਰਾਰ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਆਨੰਦ ਬਰਕਰਾਰ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਨੰਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਨੰਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ, ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ, ਜਾਣਿਆ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਗੁਰ ਤੇ। ਜੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਾਣਿਆ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਗੁਰ ਤੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪਿਆਰਿਆ। ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਨੰਦ ਆਉਣਾ ਕਿਵੇਂ, ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ ਕਿਵੇਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਲ ਵਿਖ ਕੱਟੇ, ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਸਾਰਿਆ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਲ ਵਿਖ ਕੱਟੇ, ਕਿਲ ਵਿਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਪ ਨੂੰ, ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀ, ਮਾੜੀ ਸੋਚ। ਪਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਵੇਖਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਮੰਗਦੇ, ਉਹ ਕਾਰਾਂ ਮੰਗਦੇ, ਉਹ ਕੋਠੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮੰਗਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਸੀ? ਸਿੱਖ ਦਾ ਅਰਥ ਕੋਈ ਜਾਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਇਹ ਆਣ ਕੇ ਮੰਗਿਆ? ਕਾਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਚੰਗੇ ਘਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੰਗ? ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਜਲਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੜਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਖਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਜੈਲਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨੋ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਈ ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਵੇਖੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦੇਣ ਗੱਜ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਪਰ ਜੈਲਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਦੇ ਬੱਚੇ ਲਾਇਕ ਨੇ। ਕਾਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਲਾਇਕ ਬਣ ਜਾਣ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਉਲਟ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵਿਗੜੇ ਵਿਗੜੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੈਲਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਲ ਵਿਖ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਪ ਹੈ, ਇਹ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਮੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦੀ। ਤੂੰ ਏਸੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਪਸੀਨਿਓ ਪਸੀਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਏਸੀ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਚਾਤ ਮਾਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਘਰਾਂ ਬੈਠੇ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ,
मनुख अज अपनी ईरखा तो किन्ना दुखी है। मैं एक विद्वान की पुस्तक पढ़ लिया से उन्हें बड़ी गजब की गल लिखी है। वह कहता कई बार मनुख कहता मैं फलाना बंदा दुखी कर गया, कभी फोन पर देखना मोबाइल से बंदा गल कितने कर रहा है, बाहरली कंट्री च बैठा है, बाहरली स्टेट च बैठा है, बंदा अपने कमरे च कला खिजी जा रहा है, फोन पर गर्म हो जा रहा है, बुल फड़क रहे हैं, अखा लाल हो गई, पत्नी पानी लैके आती कहती की होया तुहानू, पांच मिनट पहला मैं तुहानू चंगे पले छड़ के गई सी, कहता उन्हें मैनू सता मारे। यदा अर्थ बंदे दे बोलां च किन्नी ताकत है, तेरे अंदर अग बढ़ रही सी, उन्हें माड़ा जिहा तेल पाया, किदां भांबड़ निकले ने अंदरों, तेरा पाठ कित्थे गया, तेरी बाणी कित्थे गई, होना तेरा धीरज धर्म कित्थे गया, वो धौल धर्म दया का पूत हुण कित्थे गया, तेरा हुण सारा कुछ निकल गया तेरे अंदरों, असल विच तेरे कोल कुछ भी नहीं सी, तेरे कोल कुछ भी नहीं सी, असल विच ए है तेरा जीवन जिहड़ा हुण वेख रही है पत्नी, ये तेरा असली जीवन है। वह एक विखावा हुंदा है लोगों सामने कि मैं बहुत वड्डा धर्मी है, असली जीवन आ है, असली जीवन तेरी पत्नी ने हुण वेख्या तेरा भी आ है जीवन, असल विच वह ते पर्दा पा लैंदा थोड़ा बहुत। किलविक है बंदे की अपनी माड़ी सोच, किलविक हन बंदे दे अपने ऐब, अपनी बुरी आदत। सतगुरु जी कहने लगे आनंद आनंद सब को कह, आनंद गुरु ते जानिया। सारे कहंदे आनंद आ गया, सारे कहंदे आनंद आ गया, पर गुरु अमरदास जी कहने लगे मैनू नहीं लगता जिन्हें कहने वाले ने इन्हां ने वाकया कदी आनंद प्राप्त किया हो। आनंद आनंद सब को कह, आनंद गुरु ते जानिया, जानिया आनंद सदा गुर ते कृपा करे प्यारिया, कर कृपा किल विख कटे, किल विख कटे गए जदों, ज्ञान अंजन सारे आ, अंजन कहंदे ने सुरमे नूं, ते सुरमा अखां च पैंदा है, ज्ञान दा सुरमा इन्हां अखां च नहीं पैना, ज्ञान दा सुरमा पैना है तेरिया सुरत रूपी अखां च। सतगुर ने एक एक लफ्ज गुरबाणी च प्रो प्रो के रखे है। यह जवाब सानू गुरु अंगद साहब महाराज देंदे ने भी यह ज्ञान का सुरमा पैना कित्थे, यह कित्थे पवेगा ज्ञान का सुरमा जिहदे नाल तू सुखी हो सके, क्योंकि सारे सुख गुरु कोल ने, सारे सुख गुरु के अपने राखवे ने, ते जिहड़ा गुरु का पुत्र बन जाएगा गुरु उहनू सुख दे देवेगा, गुरु के राखवे ने सारे सुख, यह सुख गुरु कोल मिलणगे, किसी मनुख कोल नहीं मिलणगे। हुण सतगुर ने क्लीयर जवाब दे दिता, क्लीयर कट सतगुर ने विचार बख्शिश कर दिती। महाराज कहने गए रौला टुंडा अंधूला क्यों गल लगे ताए, पै के चरण कर भाव के लोयण, लोयण कहंदे ने अखां नूं, सुरत करे सुरत तेरिया अखां बन जान, पै के चरण परमात्मा दा निर्मल भौ तेरे वास्ते पैर बन जान, तू परमात्मा दे निर्मल भौ ना तुरे, पै के चरण कर भाव के कर कहते हथां नूं, प्रेम तेरे हथ बन जाण, हथां नाल काम कर देना, काश कितने तू प्रेम नाल काम करना शुरू कर देवे, हथां नाल काम कर दे, हथां नाल रोटी खांदा है, हथां नाल ही बाकी सारे कारोबार करता है, दुनिया का कोई काम ड्राइविंग भी करता हथां नाल करता है। सतगुरु पातशाह जी कहण लगे भले इंसान आ, काश कितने जिवें हथां की वरतों करता है प्रेम की वरतों करनी शुरू कर देवे, ये प्रेम तेरा हथ बन जाए, प्रेम तेरी जिंदगी का अंग बन जाए, पै के चरणा कर भाव के लोयना, सुरत करे तेरी सुरत जड़ी है ये अखां बन जान, इस सुरत रूपी अखां विच सुरमा केड़ा पौना, ज्ञान का सुरमा, ज्ञान का सुरमा गुरु को मिलेगा। सतगुर विटो वारिया जित मिले खसम संभालिया, गुरु साहब जी आशा की वार दी 13 नंबर पौड़ी अंदर किड़े प्यारे विचार देंदे हन, मैं अपने गुरु तो कुर्बान जाना, मैं अपने गुरु तो बलिहार जाना, सतगुर विटो वारिया जित मिले, जिस गुरु नूं मिलन करके, क्योंकि सर्ब सुखा गुर चरना, सारे सुख गुरु दे चरना विच हन, सतगुर विटो वारिया जित मिले खसम संभालिया,
खसम संभालिया किवें, जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया। क्या बात है, किन्ने प्यारे वचन, उपदेश दिता ते ज्ञान दा सुरमा पै गया। इहदा अर्थ उपदेश ही सुरमा है, उपदेश ही सुरमा है। जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया, ज्ञान दा सुरमा उपदेश दा सुरमा मेरिया सुरत रूपी अखां विच मेरे गुरु जी ने पा दिता। ज्ञान अंजन, गुरु ने ज्ञान दा सुरमा दिता ते हुण मैं इस जगत, इस अखां नाल जगत नूं वेखना शुरू करता। इन्हां अखां नाल नहीं, सुरत रूपी अखां नाल, सुरत रूपी अखां नाल मैं जगत नूं बड़े ध्यान नाल वेखिया। सतगुरु विटों मारिया जित मिलिया, खसम संभालिया जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया। इनी नेत्री जगत निहालिया, मैं हुण जगत नूं बड़े ध्यान नाल वेख लिया। सतगुरु जी कहिंदे किदां वेखिया, क्योंकि मेरे को ज्ञान दा सुरमा आ गया ना महाराज कहिण लगे। हुण मैं बड़े ध्यान नाल वेखिया ते मैनूं पता लग गया खसम छोड़ आ वेखिया। ये गल मैं ध्यान नाल वेख ली भी जिस जिस ने खसम नूं छड्डिया ते दूजे लगे, खसम नूं छड़ दिता, खसम छोड़ दूजे लगे डुबे से वन जा रहा। ओ डुब गए, ओ मनुख गलतान हो गए, जिन्हां जिन्हां ने भी अपने खसम दा पल्ला छड़ दिता, जिन्हां जिन्हां ने अपने खसम नालों नाता तोड़ दिता। पत्ते दी उदों तक हरियावल कायम रहिंदी है जदों तक पत्ता दरखत दियां टाणियां दे नाल, दरखत दे मूल नाल नाता जोड़ के रखदा है। टुटण दी देर है, हरियावल मुक गई। सिखा तेरे जीवन दी हरियावल, हे मनुख तेरे जीवन दी हरियावल गुरु नाल जुड़न करके। सतगुरु ने बाणी च कहा एक मूल लगे ओनी सुख पाया, जेडे मूल नाल जुड़ गए उन्होंने सुख पाया। डाली लागे तीनी जन्म गवाया, जेडे टाणियां नाल जुड़े रहे। मूल है गुरु, मूल है परमात्मा, टाणियां ने दुनिया के पदार्थ, पदार्थां नाल जुड़न करके सुख नहीं प्राप्त हो सकता। वक्ती तौर पर खुशी मिल सकती है, वक्ती तौर पर सीमित दायरे विच कुछ पल तू हस सकता है, पर जदों तक तेरे को चीज रही जान दी देर है। जिन्ना सहेगा, जिन्नी वड्डी पकड़ होएगी खुशन तो बाद, उन्ना वड्डा रोना पल्ले पै जाएगा। क्योंकि तुसीं वेखना बच्चा कितें खिड़खिड़ा के हसदा होए ना, मां अक्सर कहती पुत ज्यादा हसना मुड़के तेनू उन्ना रोना पैना है। एक कहावत केवल बच्चे की नहीं साड़ी भी है, जेडे बच्चों के जन्मदिन से बच्चों के आनंद कारजा से कहते ने अज महीना खुश हो, असी खुश हाँ तुसी भी खुश हो। तो कभी नूह सेवा ना करे, परिवार इतफाक ना रहे, शायद जिन्हें वो उन्हां पलों याद कर करके दुखी होंदे ने, शायद संसार से कोई होर बंदा उस वक्त दुखी कोई उन्हां दे मुकाबले ते होर ना होवे। क्योंकि मनुख की जिड्डी वड्डी पकड़ उन्हें उस तो बाद दुखां की प्राप्ति होंदी है। सतगुरु ने बड़े प्यारे बचन कहे, सतगुरु है बोहे था विरलै किने विचारिया कर किरपा पार उतारिया। सतगुरु जहाज है पर सारिया नूं नहीं पता विरले किने विचारिया, किसे विरले ने इस गल की विचार की है। सतगुरु गुरु अमरदास पातशाह जी यह गल कहते हैं, कर किरपा किल विख कटे ज्ञान अंजन सारिया। जो गुरु मेरे ने बख्शिश करके ज्ञान का सुरमा मेरी सुरत रूपी अखां विच पाया, मेरे किलवे कटे गए, माड़ियां आदतां मुक गईयां। काश किते गुरु क्या सिखा, तू बाणी पढ़न तो बाद, पाठ करन तो बाद, गुरु जी दे कोल आउन तो बाद गुरु कोले मंग मंगे, महाराज मैनूं पहला ए ते जात दस दिओ भी मैनूं दुखी कौन करदा है, मैनूं कोई बंदा दुखी नहीं करदा, मैनूं अपनियां माड़ियां आदतां दुखी करदियां हन, मेरा अपना लोभ वध्या होया, लोभ मैनू दुखी करता है, वध्या होया क्रोध मैनू दुखी करता है, मेरिया वध्या हुई वासनावां ये मैनू बड़ा ही दुखी कर दी। महाराज मैं चंगी भली रोटी खा रहा हाँ, चंगा भला भोजन खा रहा हाँ, पर भोजन खांद्या मैनू किसी की खुशी की खबर मिल जाए, अपना भोजन मेरा जहर बन जाता है। ये की है मेरे अंदर, ये मेरे अंदर जैलसी है,
यह ईरखा है, मालक जी यह जैलसी मैनू अपनी भी रोटी चंगी तरह खाण नहीं दिंदी, मेरी आदत है महाराज, यह मेरे किल विख, यह मेरे पाप मेरे जीवन चो मुका दियो, कर कृपा किल विख कट्टे ज्ञान अंजन सारे आ। ते सतगुरु जी कितना प्यारा वचन करते हैं, अंदरों जिनका मोह टुटा, अंदरों जिनका मोह टुटा, तिनका शब्द सच्चा सवारिया। मोह कादे नाल टुट गया, ईरखा नालों, क्रोध नाल बड़ा मोह सी, मैं अपनी होमे नूं बड़ा सांभ सांभ के रखता सी, मैं अपनी माड़ी आदतों नूं अपना बैंक बैलेंस बनाया होया सी महाराज, हुण मेरा मोह तोड़ दिता तुसां, क्योंकि मैनूं आनंद देना है ना तुसीं। सतगुरु जी कहिंदे भलिया, जे आनंद लैना चाहुंदा आ है तरीका, यह आनंद गुरु दे कोल है, किसे मनुख दे कोल यह आनंद नहीं है, ना कोई मनुख दे ही सकदा है। अंदरों जिनका मोह टुटा, तिनका शब्द सच्चा सवारिया। शब्द सवारन दा अर्थ है उहदी भाषा सुधार दित्ती, उहदी बोली सुधार दित्ती, उहदी बोली च मिठास आ गई, उहदी बोली विच लियाकत आ गई, उहनूं वर्तना आ गया, जीवन चो मोह माड़ियां आदतां मुक गईयां, गुणा नाल जीवन भरपूर हो गया। कदों? जदों गुरु दे नाल सांझ पाई, असली आनंद की प्राप्ति होगी। अंदरों जिनका मोह टुटा, तिनका शब्द सच्चा सवारिया। ते महाराज कह लगे ए बख्शिश है गुरु की, कर कृपा पार उतारे, जो गुरु दे कोल आण के विचार मिलती है, गुरु बख्शिश करके मनुख नूं उतारदा। कह नानक ए आनंद है, ए है असली आनंद, कह नानक ए आनंद है, आनंद गुर ते जाणिया, ए है असली आनंद। काश किते ए आनंद केवल एक फिरके दा मनुख नहीं मान सकदा, ईरखा ते अमेरिका च बंदे नूं भी प्रॉब्लम आ सकदी, ईरखा दी ते क्रोध वधिया होईयां वासनावां केवल एक स्टेट एक जिले एक देश दे बंदे नूं नहीं। तां ही सतगुरु दी बाणी वास्ते यह लफ्ज वरतिया भी यह केवल एक फिरके दा गुरु नहीं, दुनिया के अंदर बड़े ग्रंथ ने पर अपने अपने दायरे तक सीमित ने, अपने अपने देश तक सीमित ने, अपने अपने लोगों तक सीमित ने। पर गजब की गल वेखो, तुहानू दुनिया के किसी ऐसे ग्रंथ विच किसी दूजे मत विच पैदा होए मनुख की विचार उहदे विच अंकित नहीं मिलेगी, कोई ग्रंथ वेख लो पर सिर झुकदा। जे विचार इस्लाम विच पैदा होए बाबे फरीद की कमाल दी सी, सतगुरु जी ने वह विचार लिया के गुरु ग्रंथ साहिब च अंकित कीती। सतगुरु जी नूं जे वह विचार एक जुतियां गन्न वाले भगत रविदास की बड़ी चंगी लगी, महाराज ने वह लिया के विच अंकित कीती। जे खेतां च हल वाउण वाले की विचार सतगुरु नूं चंगी लगी, वह लिया के महाराज ने विच अंकित कीती। ते लफ्ज किड्डा प्यारा वरतिया, यह किसी एक फिरके का गुरु नहीं, समुची मानवता दा। भाई गुरदास जी ने ता ही लफ्ज वरत्या सी, जाहर पीर जगत गुर बाबा, यह समुची मानवता का गुरु है। जिन्हें भी संसार के व्यक्ति असली आनंद तक पहुंचना चाहते हैं वह गुरु जी के कोल सिखियार्थी बन के आउण, गुरु जी असली आनंद का तरीका दस देणगे भी असली आनंद की है। यह आनंद प्राप्त होएगा केवल तो केवल गुरु पातशाह जी के कोलों। सतगुरु जी ने यो शब्द अज के पावन विचार भी साढ़े सामने रखे हैं। दाता जी कहते हैं सर्ब सुखा गुर चरणा, सारे सुख गुरु के चरणों में हैं, सारे सुख गुरु के चरण, चरण मीनिंग गुरु का उपदेश, गुरु की सिख्या, गुरु की विचार, गुरु की मत। इदा कह लीए गुरु की मत ही गुरु के चरण हैं, ते गुरु की मत विच सुख हैं, अपनी मत विच दुख हैं। अपने मन की मर्जी कीतियां दुख प्राप्त होंदे ने, पर बाकी आपां सब कुछ करन नूं तैयार हाँ। पगां वाले जे नहीं हो रहा तो गुरु की मत लैण वास्ते नहीं कोई तैयार। गुरुद्वारे दीआं पंज निशानियां होंदियां ने, पहला महाराज का प्रकाश, निशान साहब, नगारा, संगत ते पंगत। गुरुद्वारे दीआं पंज निशानियां ने, संगत, पंगत, निशान साहब, महाराज का प्रकाश ते नगारा, ये पंज निशानियां ने। हुण घरां विच भी महाराज का कईआं ने प्रकाश कीता पर उहनूं कोई गुरुद्वारा नहीं कहिंदा,
क्योंकि गुरुद्वारे वास्ते पांच निशानियां दा होना जरूरी है। गवांडियां ने अपने घर महाराज का प्रकाश किया, जे तुहाडी बनदी है तो जाओगे, नहीं बनती तो नहीं जावांगे। ये पांच निशानियां ने गुरुद्वारे दियां, जिहदे विच महाराज का प्रकाश पहला आउंदा है, फिर निशान साहिब, नगारा, संगत ते पंगत, भाव प्रशादा छकिया जाए, संगत विच बैठ के गुरु दियां विचारां, गुरबाणी का पाठ कीर्तन सुनिया जाए। पर कदी वेखना ये पांच निशानियां विच्चों बहुतात गिनती विच बहुत ऐसिया साढ़े सामने विचार आ रही, बहुत ऐसे डेरे बन गए हैं जेडे निशान साहब नूं महानता नहीं दे रहे, पर वह भी सिक्खी का दावा करते हैं। वह अपने गुरु घर के निशान साहब लाउण नूं तरजीह नहीं दे रहे, वो निशान साहब लगता ही नहीं उत्थे। तुहानूं पता है, तुसीं लाइव सुन रहे हो कि वह किहड़े थां ने, पर वह भी कहिंदे साडा गुरु नाल बड़ा प्रेम है, गुरु दे असीं बड़े नेड़े हाँ। यह निशान साहब की प्रथा असी अरदास विच एक पहरा पढ़ते हैं, चौंकियां झंडे, उत्थे लफ्ज झंडा वरते हैं जिन्हों आप निशान साहब कहने, उत्थे लफ्ज झंडा वरते, चौंकियां झंडे बुंगे जिथों सिख्या ले जाए, चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार। यह धर्म के फैलाव वास्ते एक साधन सन ताकि लोगों तक विचार, कमहल की गल, अकाल तख्त वालों पंथ प्रवानत सिख रहत मर्यादा, जो आम परिवार भी अपने घर बैठ के करता है। चौंकियां झंडे पाव शब्द विचार निशान साहब संस्थाव जितों सिखी दे सिधान की गल हुंदी होवे, यह प्रचार के साधन नूं अगे वधाउंदे हन। पर कदी वेखना किन्ना जोर फड़ लिया है उन्हां संप्रदावां डेरिया ने जिहड़े निशान साहब लाउण नूं तरजीह नहीं दे रहे, पर अपने डेरे वधा रहे हन। लोग जांदे ने, भोली पबलिक जांदी है, उन्हों भी समझ रहे शायद गुरु साहब ने चलाए ने, नहीं नहीं, ये डेरे बंदियां ने चलाए ने, मनुखां दी सोच विचों निकले ने। गुरु पातशाह जी ने एक गुरुद्वारा धर्मशाला तैयार कीती सी, ते जो सानू एक पंथ दी रहनुमाई दे हेठ एक मर्यादा बना के दिती सी कि हर थां ते ये मर्यादा लागू कीती जा सके। एक नहीं रहांगे पागां वाले, किवें साडे अंदर एकता आएगी, किवें साडे अंदर विचार चर्चा चलेगी, किवें असीं बैठ के विचार सतगुर दी बाणी दे कोल बैठ के करांगे। पर नहीं, अज व्यक्तियों नूं तरजीह दिती जा रही है जी, साडे बाबा जी वल्लों चलाई हुई मर्यादा है। बाबा जी वड्डे नहीं, वड्डे गुरु जी हन, गुरु जी की चलाई हुई मर्यादा गुरु जी छोटे कर दिते, बाबा जी ते व्यक्ति वड्डे कर दिते। थोड़ा जिहा सोचना, क्योंकि अज दे विषय नाल संबंधित लफ्ज सन, इस करके मैं तुहाडे सामने एक बेनती अर्ज की है भागा वाले, थोड़ा जिहा अपनी सुरत नूं आसे पासे दौड़ा के वेखो, ध्यान मारो किहड़े थां ने जिन्हां थावां ते महाराज का प्रकाश भी किया है पर निशान साहब नहीं लगा। पर दावा वह भी करते ने साडा गुरु की सिखी नाल बहुत प्यार है, ये गुरु के प्रचार वास्ते बनाए ने। यह फैसला तुसी करना है, लाइव चल रही है, मैं ना लैण तो इस करके गुरेज कर रहा हाँ कि किसी शायद यह गल चुभे ना, पर तुहानू पता है वह किहड़े डेरे ने जिहड़े निशान साहब लाउण नूं तरजीह नहीं दे रहे, ना ला रहे ने। साडे बाबा जी ने इदां कहा सी, पागां वाले थोड़े जिहा सोचना, गुरु जी वड्डे हन, जे सिख रहत मर्यादा बनाउण वक्त चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल दी गल कीती जा सकदी है, जे इतिहासक ते गैर इतिहासक गुरुद्वारियां विच निशान साहब लग सकदे हन। असल विच निशान साहब का अर्थ यह सी कि आपां प्रकाश कीता, दूरों पता लग जाए यह मेरे गुरु का घर है, मैनू रहने की जगह मिले, खाने की प्रशादा मिले, मेरी दवाई बूटी का प्रबंध हो सके, दूरों पता लग सके जे मेरा इस शहर विच कोई रिश्तेदार नहीं, कम से कम मेरा गुरु तो है जिहदे कोल जाके मैं अपना रहन बसेरा कर सकदा सी। एक साधन सी गुरु की विचार नूं फैलाउण वास्ते, पर इन्हां तों हौली हौली कन्नी कतराई गई, पासे किया गया, तो साडे वीरां ने पढ़िया लिखिया ने, बाकी बहुत कुछ पढ़िया नहीं, पढ़िया तो अपनी हिस्टरी अपने सतगुर की लिखी हुई विचार नूं पढ़ के विचारन दा यतन नहीं कीता कि कुछ साडे सामने रख के साडे सामने परोसिया जा रहा है। किन्ने प्यारे लफ्ज मेरे सतगुर ने कह दिते, सारे सुख गुरु दे कोल हन, पर ये मिलणगे कदों, जदों गुरु की मत दे उपर पहरा देवेंगा, गुरु की सोच उपर पहरा देवेंगा। फिर बेनती कर देवां, मैं बार बार कह रहा, गुरु ग्रंथ साहब, नगारा, निशान साहब, लंगत ते पंगत, ये पांच निशानियां ने। हुण गुरु तक आउण तो पहलां पहलां बहुतियां दी सेवा बाहर तक मुक जांदी है, बच्चा स्कूले जांदा है, उहदे तन ते वर्दी पाई जांदी है, उहदे बैग विच किताबां पाईआं जांदीआं ने,
घरों गड्डी ते बैठ के स्कूले जांदा है, बच्चा सब कुछ करे पर अपने क्लास विच बैठ के होमवर्क क्लास वर्क ना करे, उतों सबक ना लैके आवे, टीचर की कही हुई गल नूं पढ़े सुने ना कि वह कदी पास हो सकता है, कदी कोई वह चंगा अफसर लग सकता है। बच्चे दे तन ते पाई हुई वर्दी स्कूल दे तक पहुंचण वास्ते गड्डी ते चढ़ के जाना, यह सारे इस करके ने बच्चा ईमानदारी नाल पढ़ सके। गुरु के प्यारिया तेरे वास्ते लंगर पंगत नगारा निशान साहब ये निशानियां मेन सन तेनू गुरु तक लियाउण वास्ते, तू गुरु कोल आ सके गुरु की मत लै सके, पर बहुतियां दी दौड़ गुरु के शब्द तक ना रही, ये तो पिछे पिछे असी चक्कर ला के चले गए, गुरु की मत घर खरन दा असी यतन ना कीता। काश किते ये भुख साडे अंदर पैदा हो सके, गुरु की सिख्या साडे घर चली जा सके। वो किवें खड़ी जाएगी? वो आपां लैके जावांगे, सुरत लैके जाएगी, माड़ियां आदतां अवगण छड़ के ते गुरु दे कोलों गुणां नूं ग्रहण करके अपने जीवन दे विच धारण करन दे नाल गुरु की मत उपर पहरा दिता जा सकता है। सतगुर ने बड़े प्यारे बचन कहे हैं, सर्ब सुखा गुर चरना, सारे सुख गुरु दे उपदेश विच हन। कलमल डारन, कलमल कहिंदे ने पाप नूं, पाप दस दिता है, माड़ी सोच ही पाप है। जिहड़े साडे जीवन च पैदा होए अवगण माड़ियां आदतां ये पाप हन, इहो मनुख नूं सुखी नहीं होण दिंदे, ते गुरु दे उपदेश नाल ये धुंधलापन दूर हो जाता है। जदों गुरु की विचार जीवन च आउंदी है मनुख दे जीवन दे विचों माड़ियां आदतां मुक जांदियां हन। जिहड़ा मनुख किसे लई कसाई हुंदा है, जिहड़ा मनुख किसे लई खतरा हुंदा है, जदों गुरु कोल आउंदा है जीवन सोहणा बन जांदा है। मिसाल है भाई बिधी चंद वर्गे जिहड़े किसे समय मझां चोरी करके लिआउंदे सन, हथ उहो ही है, शरीर उहो ही है, पैर शरीर दे अंग वी उहो ही ने, सिर्फ गुरु दे चरण गुरु दे उपदेश नूं हिरदे च वसाया। अज बाबा बिधी चंद दे हथ उहो ही ने, भाई बिधी चंद दे हत्थां ने माड़े काम छड्ड दित्ते ने, चंगे काम कर लग पे हन, अखां उहो ही ने, हथ उहो ही है, भाई सज्जन उहो ही व्यक्ति है। गुरु दे कोल आउण तों बाद कलमल डारन, पाप मुक गए, माड़ी सोच समाप्त हो गई। सतगुरु जी कहन लगे, कलमल डारन मनै सधारन, मन नूं सधारन, सधारन दा अर्थ है आसरा, ए आसर मोहे तरना, इहो ही आसरा है महाराज मैनू तरन दा। तरना किहदे तों है? जिवें संसार दे अंदर समुंदर विच पाणी हुंदा है, पाणी दे उपरों तरन वास्ते जहाज बने ने, बहुत साधन ने जिन्हां द्वारा मनुख एक देश तो दूजे देश अपना माल खड़ सकता है। बिल्कुल इस तरह जिवें समुद्र च पानी है, संसार दे अंदर माड़ियां आदतां माड़ा सुभा ये मनुख वास्ते समुद्र नालों भी खतरा है, जिहदे विच मनुख आए दिन डुब रहा है, आए दिन गुलतान हो रहा, जिन्हों सतगुर ने बाणी च कहा, जेता समुद्र सागर नीर भरिया तेते अवगुण मारे। मालिक जी जिवें समुद्र दे विच बेअंत पानी हुंदा है, शायद इहदे नालों भी कई गुणा वध साडे जीवन दे विच माड़ियां आदतां हन। इहदे विच आए दिन हर दिन असीं डुब के गलतान हो रहे हाँ, आए दिन असीं बर्बाद हो रहे हाँ, इहदे विचों असीं तरना चाहुंदे हाँ। सतगुरु जी ने बड़े प्यारे बचन कहे, वह तरन का एको तरीका है गुरु दे चरण गुरु की सिख्या गुरु का उपदेश। ते इहदे मुकाबले ते महाराज मैनू होर कुछ करन दी लोड़ नहीं, केवल तुहाड़ी सिख्या लै लवां, बाकी जिहड़े दुनिया के लोग कर्म कांड करते ने मैनू कर्म कांड करन दी लोड़ नहीं। उन्हां दा जिक्र सतगुरु जी ने शब्द के अगले बंदा विच कीता है, पूजा अर्चा सेवा बंदना एह टहल मोहे करना। महाराज मैनू विशेष तौर पर बाहरी तौर पर विखावे की पूजा करन दी लोड़ नहीं, अज पूजा विखावे तौर पर बहुत हो रही है पर गुरु की सिख्या नूं अपनाया नहीं जा रहा। पर गुरु साहब ने तरीका दसिया, महाराज मेरे वास्ते गुरु की सिख्या नूं लैणा ही तुहाडी सच्ची पूजा है, सच्ची पूजा तुहाडी सिख्या लै लवां इहो ही मेरे वास्ते पूजा है। पूजा अर्चा, अर्चा दा अर्थ हुंदा है किसे मूर्ति दे अगे कुछ
पदार्थ भेट करने, कोई चंदन भेट करना, मैनू किसी मूर्ति दे अगे चंदन भेटा करन दी लोड़ नहीं, मैनू को विशेष विखावे की पूजा करन दी लोड़ नहीं। महाराज मेरे वास्ते सब कुछ गुरु के चरण हैं, गुरु की सिख्या ही मेरे वास्ते एक दात है। पूजा अर्चा सेवा बंदना यह है टहल मोहे करना, गुरु की गल मन लैनी, गुरु के बचना के उपर अपने आप को ढाल लेना, मेरे वास्ते सब तो वड्डी यह पूजा है। गुजरी राग अंदर गुरु गुरु नानक महाराज ने इस संबंध में बड़े प्यारे बचन किए हैं। महाराज कहते हैं पूजा कीचे नाम त्याईए, बिन नावे पूज ना होए। मालिक जी मेरे वास्ते तुहाडे नाम नूं त्याउणा, नाम नूं त्याउणा अपने फर्ज की पहचान करनी, अपने अंदर चंगे गुणा नूं धारण करना ही तुहाडी सच्ची ते असली पूजा है। दुनिया के लोग महाराज चंदन कसाउंदे ने, चंदन के टिक्के लाउंदे ने। महाराज चंदन के टिक्कियां नाल ही जे पूजा हुंदी होवे ते गरीब नहीं कर सकदा, क्योंकि चंदन महंगा है। एक दिहाड़ी करन वाला, मजदूरी करन वाला फिर ते रब की पूजा तो खाली रह गया, वह तो पूजा कर ही नहीं सकता। महाराज ने तरीका दसिया पूजा का, तेरा नाम करी चननाठिया। मालिक जी तुहाडा नाम मेरे वास्ते चंदन की लकड़ बन जाए, जे मन उरसा होए अपने मन नू मैं पत्थर बना लवां जिहदे ते चंदन कसाया जाता है। ए एक आम व्यक्ति गरीब व्यक्ति भी इस पूजा तो खुंझ के नहीं रह सकता, खाली नहीं रह सकता। हर जन सधारण बंदा भी यह पूजा कर सकता है, पर जे ते चंदन ते फुल दी पूजा ही है, यह तो उहो ही करेगा ना जिहदे कोल चार पैसे होणगे, पकवान होणगे, तरह तरह के पकवान लैके रब नू खुश करेगा। पर सतगुरु जी कहन लगे रब की असली पूजा यह है, तेरा नाम करी चननाठिया, जे मन उरसा होए करनी कुंगू। मैं अपने उच्चे आचरण नू, उच्चे किरदार नू केसर बना लवा, भाव मेरा उच्चा आचरण ही मेरे वास्ते कुंगू बन जाए, केसर बन जाए। करनी कुंगू जे रड़ै घाट अंतर पूजा होए। महाराज बाहरों टलियां खड़काउण दी लोड़ नहीं, बाहरों तिलक लाउण दी लोड़ नहीं, अंदर ही पूजा होएगी, क्योंकि सौखा तरीका तुसां दस दिता कि मालिक जी परमात्मा दे गुणा नूं जीवन च धारण करना ही सब तो वड्डी सौखी ते स्पष्ट ते सिद्धी जिहड़ी पूजा है वह आ है। पर अज तुसीं वेखणा वास्तव विच बहुतात गिनती विच ओ पूजा घरां विच दुकानां विच कीती जांदी है, कारोबारा की आरंभता वेले की जाती है, जिन्हों तो गुरमत सानू बार बार रोकती है। सब तो वड्डी पूजा है जेड़ा भी कारोबार चलाना है उहदे विच ईमानदारी रख, जेड़ा भी धंधा जेड़ा भी बिजनेस चलाना है उहदे विच गुरु की मत नू पहल दे, यह है असली मालिक की पूजा। तो जे अरदास भी करा ली, नारियल नारियल भी भन लै, टिक्के भी लवा लै, अरदासां बेनतियां भी कर लईआं, ते कमाई सारी मलक भागो वाली कीती, खुश दुनिया के लोग होणगे, रब परमात्मा नहीं खुश होएगा, क्योंकि परमात्मा को वखरा आसन ला के नहीं बैठा, वह मनुखता विच बैठा है। सबे घट राम बोले, रामा बोले राम बिना को बोले रे। सारिआं दे हिरदे विच मालक परिपूर्ण परमात्मा जी आप विराजमान हन, जो सारिआं विच बैठे हुए हन। इस करके सदा चंगा व्यवहार करना ते अपनी ड्यूटी नूं ईमानदारी नाल निभाउणा, अपने फर्ज की पहचान करनी ही असली उस वाहिगुरू अकाल पुरख की पूजा है। सतगुरु जी इहो बख्शिश करदे हन। महाराज कहिंदे ने पूजा अर्चा सेवा बंधना, सेवा बंधन दा अर्थ है नमस्कार, तुहाडे अगे कीती होई नमस्कार, तुहाडी कीती होई पूजा मेरे वास्ते सब कुछ इहो ही है कि मैं तुहाडी सिख्या नूं अपने जीवन दे विच धारण किया है। बिगसै माना, तो इस पूजा नाल होएगा कि हुण आपां पूजा ते बहुत करदे हां पर मन खेड़े विच नहीं है, मन खुश नहीं है, क्योंकि मन की असली खुराक ते सच सी, मन की असली खुराक ते गुण ने, गुणा तो टुट गए इस मन नूं जिन्ने मर्जी बाहरले विखावियां दे नाल खुश रखण दा यतन करो नहीं रहेगा।
सतगुरु जी कहते ने फिर जो असली पूजा आ गई वो की होगा, मन बिगस है, मन जड़ा है वह विगास में आ जाएगा, खेड़े में आ जाएगा। बिगस है मन हो वै प्रगासा, जो प्रगास हो जाएगा मन में खेड़ा आएगा, मन में खुशी आएगी, मन में विगास आएगा। जो मालिक जी तुहाडी ज्ञान की विचार मेरी सुरत में जग गई, सतगुरु जी कहते बिगस है मन हो वै प्रगासा, बहुर ना गर्भ है परना, बार बार जम्मन मरन के चक्कर विच नहीं पैना पवेगा। कभी किसी का धन वेख के मर गया, कभी किसी का उच्चा रुतबा वेख के मर गया, कभी किसी के बच्चे लायक वेख के मर गया, कभी किसी का वध्या होया कारोबार वेख के मर गया। इस जम्मन मरन की खेड विचों मालिक जी मुक्त हो जावांगा जदों तुहाडी असली सच्ची ते सुची सानू पूजा करन दा तरीका आ गया। बिगसै माना होवै प्रगासा, बहुर ना गर्भै परना, बार बार जम्मण मरण दा चक्कर मुक जाएगा। इत्थे मन दे जम्मण मरण दी गल हो रही है, क्योंकि सारी सिख्या मन ते केंद्रित है। मन दा जम्मण मरना मर जाएगा, मुक जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि पर ताना पर ताना परती निंदा, पर अपवाद ना छूटे आवागमन होत है फुन फुना, ए प्रसंग ना टूटे। कदी पराया धन वेख के ते कदी पराया तन वेख के इहनूं मौत आ जांदी है, मर जांदा है। ये जम्मण मरना इस मन दा मुक जाएगा। सतगुरु जी अखीरले बंद विच कहिंदे हन सफल मूरत, मालिक जी लोग मूर्तियां दी पूजा करदे हन फल लैण वास्ते, मेरे वास्ते मालिक जी तुहाडे चरण ही सफल मूर्त हन, तुहाडी सिख्या ही मेरे वास्ते मूर्ति हन, तुहाडी सिख्या तुहाडा उपदेश तुहाडी बाणी ही मेरे वास्ते मूर्ति है। मैनू किसे मूर्ति की पूजा करन दी लोड़ नहीं, बाहरों पखंड ते कर्म कांड करन दी लोड़ नहीं। सफल मूरत परसों संतन की, परसों संतन की, इत्थे गुरु दे चरण परसने, गुरु दे चरणा नू हिरदे विच धारण करना ही मेरे वास्ते मूर्ति की पूजा करनी है। मैनू बाहरों जे किते काश हर जन सधारण बंदा इन्हां उपदेशां नू समझ लवे कि वह पत्थर दे टुकड़े अगर जाके अरदास करेगा, बेनतियां किसी कबर मड़ी मशान ते जाके मत्था टेकेगा, किन्ने अमोलक बचन मेरे सतगुर दे कि मालिक जी मेरे वास्ते तुहाडी दित्ती होई सिख्या तुहाडा उपदेश ही मूर्ति है। मैनू किसी मूर्ति दे अगे जाके मत्था टेकन की लोड़ नहीं, लिलकड़ियां कढ़न की लोड़ नहीं। सफल मूरत परसों संतन की, यह ध्यान धरना। लोग ध्यान टकाउंदे ने, कोई मथे ते टकाउंदे, कोई नासा तो तां टकाउंदा, कोई किसी फोटो का टकाउंदा, मैनू ध्यान टकाउण की लोड़ नहीं। चंगा काम करना, नेक नीति दे नाल तुहाडे उपदेश अनुसार जीवन जीवना, इहो ही मेरा असली ध्यान है। यह ध्यान धरना भयो कृपाल, भयो कृपाल ठाकुर को, हे मालिक जी मेरा ठाकुर मेरा अकाल पुरख नानक ते कृपा दा पात्र बन गया, कृपा करन लग पिया। कृपा किवें कीती? जदों मैं असली गुण अपने जीवन दे विच धारण कीते। दाता जी कहन लगे भयो कृपाल ठाकुर नानक को, ठाकुर नानक ते सदा ही बख्शिश करन वाला बन गया। आम करके तुहाडे चो बाणी पढ़न वाले कई बैठे होणगे, जदों संबंध की शब्द आ जाता है जिवें नानक नीच हमेशा कक्के दे थले औंकड़ आउंदा है, इत्थे नानक दा कक्का मुकता है, क्योंकि संबंध की लफ्ज नाल आ गया कहो, कहो आउण करके इत्थे औंकड़ लाउण दी लोड़ नहीं पई। सतगुर नूं लफ्ज सतगुर ने अपने वास्ते वरतिया है कि भयो कृपाल ठाकुर नानक, ठाकुर नानक दे उपर सदा ही कृपाल हो गया। कह लगे परयो साध की शरणा, इत्थे साध दे वी धद्दे नूं कोई औंकड़ नहीं, यह भी एक वचन गुरु वास्ते है, क्योंकि नाल की लफ्ज आ गया है। यह थोड़ा जिहा ध्यान देवांगे भागा वाले ते बाणी दी विचार सानू स्पष्ट समझ आ जाएगी। साध लफ्ज, गुरु लफ्ज, संत लफ्ज हमेशा एक वचन रब जां गुरु वास्ते वरतिया है। जिथे बहुवचन चाहुंदा है उत्थे सत संगियां वास्ते सतगुरु जी वरत के सानू सिख्या दिंदे हन। समुचे शब्द का केंद्री भाव यह है, सारे सुखां दा सोमा सारे सुखां दा मालक गुरु है। बाकी बाहरों कीते हुए विखावियां नाल वक्ती तौर ते खुशी ते मिल सकदी,
सदीवी आनंद प्राप्त करन दा इको सौखा ते सादा तरीका है, वह है गुरु बलिहारे जाइए ऐसे गुरु तो जिस गुरु की कृपा के पात्र बन के आप गुरु की गोद विच बैठ के शब्द विचार सांझी कीती है। मालिक कृपा करे गुरबाणी अनुसार जिंदगी बन जाए, पुलां चुकां माफ करनिया जी, बाणी की विचार हिरदे विच वस जाए, गज के बुलाओ फतेह आखो जी, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਿਲਾ ਤੀਡਾ ਆਨੰਦ ਇੱਕੋ ਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਰਾਹ ਕਰਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਬਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦੀਆਂ ਮਣਿਆਈਆਂ ਕਹੇ।